प्रिंसिपल मैम, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने अपनी आज़ादी के 76 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन जब 1947 में देश को आज़ादी मिली थी, तब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में हमें चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है, ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। भारत की सेवा करने का मतलब है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। आज भी हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए और देश की सेवा में जुट जाना चाहिए। देश की सेवा करने का अर्थ यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें अपने आने वाले भविष्य यानी बच्चों को क्या नया दे सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल से इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। हम अगर किसी कंपनी में वर्कर हैं या इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो हमें अपनी देशभक्ति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश में हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इस देश की सेवा कर रहा है। आने वाली पीढ़ी देश के स्वतंत्रता संग्राम को याद रखे और उन सेनानियों के लिए मन में सम्मान भी हो, ऐसी भावना लोगों के मन में जागृत करना है। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहा है। इस समय हमें यह प्रण लेना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण और देश के विकास व रक्षा के लिए हम सब एक हैं। जय हिंद।